हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं टाटा एलेक्सी के बारे में, जिसमें कि भारी तेजी हम लोगों ने होते हुए देखी है। इसमें तकरीबन 8% का उछाल देखने को मिला है और ये स्टॉक 1786 रुपये यानी 1786 रुपीज पर क्लोजिंग दिया। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि जो टाटा एलेक्सी में तेजी बनते हुए दिख रही है, क्या ये आगे भी जारी रह सकती है, और अगर आगे जारी रहेगी तो इसके क्या कारण है कि ये तेजी आगे जारी रहेगी, या इन स्तरों से ये नीचे लुढ़क जाएगा। इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, चर्चा करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने 2 अक्टूबर को एक वीडियो अपलोड किया था टाटा एलेक्सी के बारे में, जिसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखे हैं। उस समय ये स्टॉक 1250 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, जैसा कि मुझे याद पड़ रहा है। और उस समय हम लोगों ने उस वीडियो में ये पाया था कि आने वाले दिनों में जब Q2 के नतीजे टाटा एलेक्सी के अच्छे आएंगे तो ये 1438 रुपये को पार कर जाएगा, ऐसा हम लोगों ने उस वीडियो में अनुमान लगाया था। और उसके फुल टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस हम लोगों ने उस वीडियो में किया था। तो आप उस पुराने वीडियो को जाकर के जरूर देखें, उसके फंडामेंटल एनालिसिस को जरूर देखें। और अब हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और हम लोग यहाँ पर अभी देख रहे हैं कि ये 1786 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, तो उन स्तरों से काफी ऊपर निकल चुका है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि अब यहाँ से आगे क्या देखने को मिल सकता है टाटा एलेक्सी में। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर हम लोग टेक्निकल चार्ट की बात करें तो स्क्रीन पर हम लोग टाटा एलेक्सी के मंथली टेक्निकल चार्ट को देख रहे हैं, और इस चार्ट से साफ साफ देखने को पता चल रहा है कि टाटा एलेक्सी काफी बुलिश फेज में चल रहा है। ये हायर हाई हायर लोज बनाता हुआ देखा गया है। तो हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं इसके चार्ट पैटर्न से कि आने वाले दिनों में भी टाटा एलेक्सी जो है ऊपर ही जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, हमारे कहने से, आपके कहने से टाटा एलेक्सी का शेयर ऊपर नहीं जाएगा। इस शेयर को ऊपर जाने के लिए इसके फंडामेंटल्स का मजबूत होना काफी जरूरी है, और इसके Q2 के रिजल्ट कैसे रहे थे उसे भी जानना जरूरी है। इन सारी बातों को हम लोग ध्यान में रखते हुए हम लोग ये अनुमान लगाएंगे कि Q3 के रिजल्ट इसके अच्छे रह सकते हैं या खराब रह सकते हैं। उसके बाद ही दोस्तों हम लोग इस वीडियो के अंत में ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में टाटा एलेक्सी के शेयर भाव किस प्रकार से परिवर्तित हो सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग टाटा एलेक्सी के जो रिटर्न है उसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि टाटा एलेक्सी ने अपने निवेशकों को अभी तक किस प्रकार का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि पिछले एक सप्ताह में टाटा एलेक्सी ने तकरीबन 8.5% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, पिछले एक महीना में 14.5% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, ईयर टू डेट 116%, और पिछले एक साल में 109%, पिछले 3 साल में 86%, और पिछले 5 साल में 57%, और पिछले 10 साल में 1139% का रिटर्न दिया। यानी कि पिछले 10 साल में इसने अपने निवेशकों का पैसा 12 गुना से ज्यादा करके लौटाया है। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि लंबे समय में टाटा एलेक्सी ने अपने निवेशकों को माला माल कर दिया है, और ये अपने निवेशकों को निराश नहीं किया है। तो जब इस स्टॉक के इतने लंबे पीरियड में काफी अच्छे रिटर्न रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग होंगे, और ये कंपनी सालों साल अच्छे नतीजे हम निवेशकों के सामने लाई होगी, इस वजह से इसके रिटर्न इतने अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले दोस्तों इसके जो Q2 के रिजल्ट रहे हैं उसको चेक कर लेते हैं कि वो कैसे देखने को मिले थे। तो दोस्तों, यहाँ पर स्क्रीन पर हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग इसके रिजल्ट को Q1 मिलान करें तो June के रेस्पेक्ट में September में इनके सेल्स में तकरीबन 7.5% का ग्रोथ देखने को मिला था, और सेम पीरियड में इनके नेट प्रॉफिट में हम लोगों को June के रेस्पेक्ट में September में इनके नेट प्रॉफिट में तकरीबन 14.5% का उछाल देखने को मिला था, और सेम पीरियड में इनके नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी तकरीबन 4.5% का इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा था। तो टाटा एलेक्सी के जो Q1 रिजल्ट रहे हैं वो काफी बेहतरीन देखने को मिल रहे हैं। अब इनके जो ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें दोस्तों,
तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि लास्ट सितंबर क्वार्टर के रेस्पेक्ट में इस सितंबर क्वार्टर में इनके नेट सेल्स में तकरीबन 11.5% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और नेट प्रॉफिट में सेम पीरियड में दोस्तों इनका जो उछाल देखने को मिल रहा है वो तकरीबन 58.36% देखने को मिल रहा है, और तकरीबन 9.2% के रेट से इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इम्प्रूव होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो हम लोग दोस्तों इस हिसाब से कह सकते हैं कि टाटा एलेक्सी के न केवल ईयर ऑन ईयर बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो इनके क्वार्टरली रिजल्ट रहे हैं काफी बेहतरीन देखने को मिले हैं। अब चलिए दोस्तों इनके जो एनुअल रिजल्ट रहे हैं पास्ट के उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि वो कैसे देखने को मिले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि टाटा एलेक्सी का जो सेल्स है वो साल दर साल लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए लगातार बढ़ता हुआ देखने को, कभी भी इनके सेल्स में डिग्रोथ देखने को नहीं मिला है। अब नेट प्रॉफिट भी सेम पीरियड में मिला लें दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि नेट प्रॉफिट में FY9 में 58 करोड़ का करती थी, FY10 में घट करके 48 हो गया, FY11 में और भी घट करके डिग्रोथ हो गया 32 हो गया, फिर इसमें जो है कभी कम और कभी अधिक इनका प्रॉफिट जो है नेट प्रॉफिट उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन इनका जो सेल्स है वो लगातार जंप करता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन नेट प्रॉफिट जो है कंसिस्टेंट नहीं रहा है, वो इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर इनके प्रॉफिट की बात करें तो दोस्तों ये पिछले 11 सालों में अगर इनके नेट सेल्स में तकरीबन 4 गुना का जंप देखने को मिल रहा है, तो इनके नेट प्रॉफिट में भी तकरीबन 5 गुना का जंप देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के हम लोग कह सकते हैं कि टाटा एलेक्सी ने लंबे समय में काफी अच्छा सेट ऑफ नंबर्स हम निवेशकों के सामने प्रस्तुत की है, जिसके वजह से इसने पिछले 10 सालों 11 सालों में काफी अच्छा रिटर्न हम निवेशकों के सामने रखा है, और इस वजह से इसके शेयर भाव में भी हम लोगों को तेजी देखने को मिली है। और जैसा कि दोस्तों अभी हम लोग देख रहे हैं कि वर्तमान में ये अपने लाइफ हाई के आसपास चल रहा है, न्यू लाइफ हाई इसने बनाया है और इसमें काफी तेजी बनते हुए दिख रही है। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ तक समझ पाए हैं कि टाटा एलेक्सी के जो फंडामेंटल्स हैं वो काफी स्ट्रांग है, जिसके वजह से ये शेयर जो है लगातार तेजी में बना हुआ देखने को मिल रहा है। तो अब इस टेक्निकल चार्ट के जरिए से दोस्तों हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब इनके क्वार्टर 2 के रिजल्ट इतने अच्छे आए हैं तो हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं क्वार्टर 3 के रिजल्ट भी अच्छे आएंगे, और बाजार भी कहीं ना कहीं ये चीज मान रहा है, इस वजह से इसमें तेजी बनते हुए दिख रही है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर टेक्निकल इंडिकेटर्स कुछ लगाए हुए हैं, और इसके कुछ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेसिस्टेंस को हम लोगों ने ऑलरेडी लगाया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम लोग इसके टारगेट की बात करें दोस्तों, तो हम लोगों को साफ साफ देखने को मिल रहा है कि टाटा एलेक्सी का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो 1479 रुपीज के आसपास था। इन स्तरों को ये काफी अच्छी मार्जिन से ये ब्रेकआउट देता हुआ तोड़ करके ऊपर निकल चुका है, और इसका जो इमीडिएट जो टारगेट देखने को मिल रहा है वो तकरीबन 2080 का लेवल यहाँ पर साफ साफ आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि जिस प्रकार से टाटा एलेक्सी ने अपने क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट काफी अच्छे प्रस्तुत किए हैं, और एनुअल रिजल्ट भी इनके काफी अच्छे रहे हैं समय के साथ, तो हम लोग ये कह सकते हैं इसके क्वार्टर 3 के भी रिजल्ट अच्छे रहेंगे, और इसमें जो तेजी बन रही है वो आने वाले दिनों में भी जारी रह सकती है, और ये स्टॉक जल्द ही 2080 के लेवल को छूता हुआ हम लोग देख पाएंगे, ऐसा इसके टेक्निकल चार्ट हम लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं, और फंडामेंटली तो ये स्टॉक काफी स्ट्रांग है ही। तो दोस्तों अभी तक मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे आप जरूर लाइक करें और शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो आप मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए लगातार अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक के बारे में जानकारी लेकर के आ रहा हूँ, और रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी को मैं नमस्कार।